दोस्तों आज की वीडियो में पाकिस्तान टीम की स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 के बारे में बात करूंगा जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें खिलानी चाहिए। और हाँ भाई, मेरी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में कौन से टॉप ऑर्डर होगा, कौन से फास्ट बॉलर होंगे, कौन से ऑलराउंडर होंगे, कौन से स्पिनर होंगे, तो यार आज की वीडियो में बात करते हैं ना। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले भाई क्रिक कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। हम सबको पता है कि पहला मैच हमें 18 अप्रैल को देखने को मिलेगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। और भाई 14 अप्रैल को न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी और भाई 16 अप्रैल को जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ट्रेनिंग का आगाज हो जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन अगर मैं न्यूजीलैंड क्रिकेट के हालात में आपको बताऊँ तो भाई न्यूजीलैंड में गए हुए उनकी टीम जा रही है IPL खेलने के लिए। भाई इतनी जरानत हो रही है ना भाई न्यूजीलैंड टीम की, इतनी जरानत हो रही है भाई केन विलियमसन को 2 मैचेस के बाद जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। और जितने भी खिलाड़ी हैं जिसमें डेवन कोट में है, मिचेल सैंडर है और भाई डैरन मिचेल भी है, भाई किसी को भी मौका नहीं मिल रहा भाई। एक ही बेंच पे बैठे हुए सारे आन टीम में भाई जिन्होंने पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलने से इनकार किया है। यार क्या बात है भाई, आप लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पिछली बार तो भी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ और इस बार भी केन विलियमसन को सिर्फ 2 मैचेस देखने के बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया है। भाई हो ना हो पाकिस्तान IPL खेलो जाके भाई IPL। खैर ये पाकिस्तान टीम का स्कोर तो अनाउंस हो चुका है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 इस स्कोर में से क्या बनने वाली है, आज मैं स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार मैं टॉप ऑर्डर की बात करता हूँ कि यार ओपनर्स कौन होंगे, मिडल ऑर्डर क्या होगा, बॉलर्स कौन होंगे, स्पिनर्स कौन होंगे, ऑलराउंडर्स कौन होंगे। तो सबसे पहले यार अगर हम ओपनर्स की बात करें तो भाई मेरे ओपनर्स रखे हैं दो, यानी कि जिसमें हमारे किंग बाबर आजम और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे। हम सबको पता है कि किंग बाबर आजम दोबारा से पाकिस्तान टीम के कैप्टन बन चुके हैं तो वो चाहेंगे कि मैं सैम अयूब के साथ ही ओपनिंग करूंगा। तो इसी वजह से किंग बाबर आजम और सैम अयूब को मैंने ओपनर रखा है। और मेरे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में 1 डाउन शामिल होंगे मोहम्मद रिजवान को। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग से मैंने उसको 1 डाउन में रखा है क्योंकि बाबर आजम चाह रहे हैं कि मैं सैम अयूब के साथ ओपनिंग करूं, तो मोहम्मद रिजवान 1 डाउन होंगे। उसके बाद 2 डाउन हमारे पास आ जाएंगे डेब्यू करने वाले पाकिस्तान की जाने से पहली मरतबा खेलने वाले उस्मान खान। भाई उस्मान खान को मैंने 2 डाउन में रखा है। उसके बाद 5th नंबर पर मैं रखूंगा फखर जमान। हम सबको पता है फखर जमान अगर टिक जाती है तो ईद सोती भी आ रहा है भाई, ईद सोती भाई किस तरह धोना है वो फखर जमान को पता है। उसके बाद 6th नंबर पर रखा है मैंने ऑलराउंडर शादाब खान को। भाई हम सबको पता है कि शादाब खान की जिस तरह फॉर्म लगी हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जबरदस्त बॉलिंग भी कर रहे हैं साथ ही साथ बैटिंग भी कर रहे हैं, तो भाई मैंने शादाब खान को 6th नंबर पर रखा है। उसके बाद 7th नंबर पर रखा है हम सबके चाचू यानी कि इफ्तिखार अहमद। भाई इफ्तिखार अहमद हम सबको पता है असल में जो उसने धोया था पाकिस्तान ने हर बॉलर को, ओए ओए भाई कानों को हाथ लगा लो इस तरह धोया। उसके बाद 8वें नंबर पर रखूंगा पाकिस्तान टीम के मैच विनर यानी कि इमाद हुसैन को। भाई इमाद हुसैन दोबारा से पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि यार रिटायरमेंट ले ली थी इमाद हुसैन ने और उसके बाद जो PSL में यार परफॉर्मेंस करके दिखाई है, भाई प्ले ऑफ का मैच जिताया है, उसके बाद क्वालिफायर का मैच जिताया है, उसके बाद फाइनल भी अपनी टीम को जिताया है, तो भाई इमाद हुसैन को जो है वो मैं 8वें नंबर पर रखता हूँ। उसके बाद 9वें नंबर पर मैं रखूंगा शाहीन शाह अफरीदी को। भाई हम सबको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत जबरदस्त है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी को भी मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में शामिल किया। उसके बाद 10वें नंबर पर मैं रखूंगा भाई नसीम शाह। भाई दोनों तरफ अगर स्विंग करवानी हो तो नसीम शाह को मैदान में उतारूं। भाई नसीम शाह जो है वो इन स्विंग भी कर लेते हैं और आउट स्विंग भी कर लेते हैं, तो मैंने स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में नसीम शाह को भी शामिल किया। उसके बाद आखिरी नंबर आ जाता है 11वां, तो भाई 11वां खिलाड़ी मैंने रखा है अपने स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में, वो है हमारे मोहम्मद आमिर। भाई मोहम्मद आमिर हम सबको पता है कि रिटायरमेंट लेकर 4 साल बाद जो दोबारा से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में 11वां नंबर मोहम्मद आमिर को रखा है। यार यार मेरी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में टॉप 4 बल्लेबाज जबरदस्त है जिसमें बाबर आजम, सैम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और उसके बाद मिडल ऑर्डर में हमारे पास फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, उसके बाद ऑलराउंडर में शादाब खान और इमाद हुसैन भी है और हमारे सैम अयूब भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। उसके बाद फास्ट बॉलर में मैंने रखे है हमारे शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, ये 3 फास्ट बॉलर हुए हुए हुए। भाई अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ये तो छोटी सी टीम है बच्चों वाली, तो भाई वर्ल्ड कप में हम किसी भी टीम को नहीं छोड़ेंगे, हर टीम की जो है वो हम धजिया उड़ाकर रख देंगे। तो खैर यार ये नहीं मेरी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11, इसमें आप सोचोगे कि यार आपने आजम खान को क्यों नहीं रखा, इरफान खान, न्याजी को नहीं रखा, यार दूसरे खिलाड़ियों को क्यों नहीं रखा है। भाई ये मेरी मर्जी है, मेरी ओपिनियन है और मेरी नज़र में ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 है। और हाँ भाई अगर चेंजेस हो भी तो मैं मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाना चाहता हूँ 1-2 मैचेस के लिए और भाई आजम खान को जगह देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 विकेट कीपर खेल चुके हैं यानी कि खेल सकते हैं,
तो मोहम्मद रिजवान ऐसे हैं जैसे एक एंकरिंग रोल करते हैं, यानी कि उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, आते साथ शुरू नहीं हो जाते जिस तरह फखर जमान और इफ्तिखार अहमद। तो मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत मुश्किल होने वाली आगे वाले मैचेस में, क्योंकि हमारे बाबर आजम भी थोड़ा टाइम लेते हैं और उसके साथ साथ हमारे उस्मान खान भी थोड़ा टाइम लेते हैं। तो भाई आपके टॉप ऑर्डर में तीन ऐसे बैट्समैन है जो कि टाइम लेते हैं, तो भाई हमारे इफ्तिखार अहमद का क्या होगा, फखर जमान का क्या होगा, साथ ही साथ जो पीछे हिटर्स हैं हमारे पास वो क्या करेंगे। तो इसी वजह से मैं अपनी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में एक आदि चेंज कर सकता हूँ, मोहम्मद रिजवान की जगह मैं या फिर आजम खान को खिला लूँ या फिर इरफान खान नियाजी को खिला लूँ कि ताकि डेथ ओवर्स में आगे जाए वो शानदार रन्स बनाए और विनिंग मोमेंट में अपनी टीम को मैच जितवाए। लेकिन 18 अप्रैल को पहला मैच होगा और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 जो है वो सारे मैचेस जिताने वाली है। और हाँ भाई, अगर मेरा मानना हो तो हमारे नसीम शाह और हमारे शाहीन शाह अफरीदी को 2 मैचेस के बाद रेस्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जगह पक्की है वर्ल्ड कप के लिए। तो भाई हमें यंगस्टर्स को भी तो जान देना चाहिए। अब्बास अफरीदी हमारे पास मौजूद है पीछे और साथ ही साथ एक और फास्ट बॉलर भी हमारे पास मौजूद है, तो इसी वजह से हमें जो है वो यंगस्टर को भी ग्रूम करना चाहिए। तो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को 2 मैचेस के बाद जो है वो रन देकर इनको यंगस्टर्स को जो है वो चांस दे सकते हैं। मैंने तो अपनी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 बता दी है, तो भाई आप भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 जो है वो बता सकते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे से बात करेंगे। और हाँ भाई, टास्क याद है ना भाई, 10,000 सब्सक्राइबर जून के महीने से पहले, तो भाई जल्दी जल्दी करवा दो, हम फिर किंग बाबर आजम से मिलने जाएंगे। तो यार अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इंजॉय करें ये तीनों दिन और फैमिली के साथ को भी इंजॉय करें और सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को और गांव में याद रखिएगा। सो गाइस, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैं भी चलता हूँ।